आशीर्वाद यात्रा में भारत सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री साहब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी पहुंची सिंह मैंसन, जहां भाजपा नेत्री रागिनी सिंह ने अपने आवास पर उनका भव्य स्वागत किया। वहीं भाजपा नेत्री रागिनी सिंह ने मंत्री के स्वागत पर आए तमाम लोगों का आभार किया। कैबिनेट में मंत्री बनने के बाद पहली बार धनबाद पहुंची। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी का लगातार रैलियों और बैठक का दौर जारी है। बुधवार की देर शाम जन आशीर्वाद रैली के साथ महुदा बाघमारा होते हुए धनबाद पहुंची थी। साथियों, सबसे पहले इस जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जो सम्मान आप लोगों ने दिया, धनबाद कल से धनबाद जिला में है, कार्यकर्ताओं की ओर से, विभिन्न समाज की ओर से, माताओं बहनों की ओर से, अभिभावकों की ओर से, उसके लिए आप साथ ही साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, जो विचारधारा है, उस विचारधारा के साथ हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव गांव तक पहुंच कर उस विचारधारा के साथ हम काम करेंगे, काम कर रहे हैं। और ये बात है कि आज वर्तमान सरकार की बात कहें तो इस सरकार से लोग त्रस्त है, लोग परेशान है, बिल्कुल अराजकता की स्थिति सरकार में बनी हुई है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गुरुवार को आईआईटी, आईएसएम, खनन प्रशिक्षण संस्था सहित दर्जनों शिक्षण संस्था के निदेशकों और प्राचार्यों के साथ बैठक की। इससे पूर्व उन्होंने धनबाद के सर्किट हाउस में एक पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने शिक्षा नीति पर कई जानकारी दी। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने धनबाद परिषदन में पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए कहा कि झारखंड में अधूरे पड़े केंद्रीय विश्वविद्यालय और आईआईटी का काम जल्द पूरा हो, इसका प्रयास किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को श्रम आगरता में लागू किया जाएगा। इस शिक्षा नीति में कई बातें ऐसी हैं जो न सिर्फ छात्रों में शिक्षा के प्रति रुचि जगाएगी, बल्कि इससे उनमें स्वरोजगार की वृत्ति भी उत्पन्न होगी। मंत्री के मुताबिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई 11 भारतीय भाषाओं में होगी। यह जरूरी नहीं कि अब सिर्फ अंग्रेजी जानने वाले ही इंजीनियरिंग करें, यह भारतीय की ओर से एक बड़ा कदम है। इस नीति के तहत प्राथमिक शिक्षा भी स्थानीय भारतीय भाषाओं में ही दी जाएगी। बच्चों को हिंदी अथवा अंग्रेजी का बोझ नहीं लादा जाएगा। विद्यार्थी अब हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मलयालम, बंगाली, असमिया, उड़िया, पंजाबी में भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर पाएंगे। जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से सबसे पहले हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि जो सम्मान उन्होंने दिया है, साथ ही साथ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और पूरी प्रदेश टीम के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ झारखंड लगातार चार दिन, आज चौथा दिन है, जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से लगभग 7 जिला में जो लोगों का जो सम्मान मिला, वहाँ के चाहे माताएं बहनें हों, चाहे अभिभावक हों, भाई हों, युवा, हर किसी का काफ़ी सम्मान लगातार कोडरमा से चलते हुए
जो आज चौथा दिन धनबाद पहुंचे हैं, तो बहुत ही सम्मान मिला है, बहुत आशीर्वाद मिला है। इसके लिए हम सभी को अपनी ओर से उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। और आप भी महसूस कर रहे होंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग महिलाओं को दिया गया है। 11 महिला आजादी के बाद से अगर हम देखें तो पहली बार है कि 11 महिला को जगह मिला है। उसी तरह हम देखें तो हमारे अनुसूचित जाति के 12 मंत्री बने हैं, अनुसूचित जनजाति के 8 हैं, अल्पसंख्यक के 5 हैं। तो इस तरह से समावेशी मंत्रिमंडल का गठन इसमें किया गया है। उसी तरह युवाओं की भी भागीदारी उतनी ही है जितनी महिलाओं की है। तो निश्चित रूप से इसके माध्यम से ये दिख रहा है कि हमारी जो विचारधारा है, उस विचारधारा को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस मंत्रिमंडल के माध्यम से जमीन तक उतारने का प्रयास उन्होंने किया है। और लगातार उनके द्वारा, चाहे हम इस लोकसभा सत्र के दौरान भी जिस तरह से हम लोग देखे कि इतने व्यवधान के बावजूद भी प्रतिपक्ष के द्वारा जब सत्र चला तो काफी व्यवधान था, उसके बावजूद भी महत्वपूर्ण बिल उन्होंने पास कराया। तो ये दिखता है इच्छा शक्ति, अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के वजह से लगातार 7.5 वर्षों से जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रधान सेवक के रूप में पदभार ग्रहण किया कि हम अपनी विचारधारा, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, उस विचारधारा को आम जन तक, लोग इस विचारधारा को मानते हैं। और इसीलिए ये जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जिस तरह से लोगों का जन सैलाब उमड़ा है, काफी गर्मी भी थी, धूप भी थी तब भी, और बारिश के समय भी काफी बरसात में भीगते हुए भी लोग जिस तरह से रोड पे, सड़क पे आके लोग बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे। निश्चित रूप से ऐसा लगता था कि एकदम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो कि आप लोगों का भी जो अच्छा सुझाव हो, आप समय समय पर आप लोगों से भी सुझाव लेंगे, मार्गदर्शन लेंगे। और निश्चित रूप से पार्टी ने जो जवाबदेही दिया है, उस जवाबदेही को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। पहले था कि केंद्र में भाजपा की सरकार, झारखंड में भाजपा की सरकार, डबल इंजन सरकार थी, अब सिंगल इंजन हो गया है, इसमें आप लोग क्या रोल निभाएंगे केंद्रीय मंत्री के रूप में? क्योंकि ऐसे भी आप जानते हैं शिक्षा समवर्ती सूची में है, तो बिल्कुल राज्य सरकार की उसमें जवाबदेही ज्यादा होती है, लेकिन एक समन्वय स्थापित करेंगे झारखंड के विकास के लिए, झारखंड के हित के लिए, झारखंड के लोगों के लिए। जो शिक्षा व्यवस्था जो और बेहतर हो, जिस दिशा में हम प्रयास करेंगे, और इसके लिए हमें लगता है कि आपकी जो भूमिका बहुत अहम होगी, तो आप लोगों का भी उसमें हो सकता है।